हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस तरह का सिंधी डिश बनाना सीखेंगे। तो इसके लिए पहले हम ये ग्राफ की मदद से इस तरह का पैटर्न अपने कपड़े पे बना लेंगे। तो ये तो बहुत बड़े साइज़ का लिया है कि इसमें आपको अच्छे से समझा सकूं। ऐसे आप कपड़े में इसमें एक स्क्वायर जो है इसका जो एक एक खाना है वो एक स्क्वायर के बराबर लिया है, लेकिन यहाँ आपको वो चार चार स्क्वायर के इसमें देख के बता रहे हैं। पहले इस तरह का आप डिज़ाइन बना लें, जैसे मैंने यहाँ यहाँ बनाया है। अब क्या करते हैं कि पहले इसके लिए इसका फ्रेमवर्क तैयार करते हैं फिलिंग के लिए। तो पहले ये जो बाहर वाला स्क्वायर है उसे हम तैयार करें। इसमें बस हमें ये ध्यान देना है कि जैसा फिलिंग में होता है कि एक धागा जो है मतलब अगल बगल जो है एक ऊपर एक नीचे इस तरह से आएगा, तभी हम फिलिंग सही तरीके से कर सकते हैं। या अगल बगल के धागे अगर एक अभी ऊपर जा रहा है तो एक जगह से फिर बगल से नीचे से जाएगा। इस तरह से करके आपको इसका फ्रेमवर्क पहले तैयार कर लेना। मैं पहले ये बाहर वाला स्क्वायर का फ्रेमवर्क तैयार कर लूंगी और फिर दिखाती। इस तरह मेरा ये बाहर का आपको फ्रेमवर्क तैयार हो गया। अब जो है मैं ये जो अलग अलग मतलब रेक्टेंगल जो है इसको अलग अलग आप इसका भी खांचा तैयार कर लेंगे फ्रेमवर्क, और भी उसी हिसाब से रहेगा कि आप मतलब एक ऊपर एक धागा जो है एक ऊपर फिर एक मतलब एक नीचे इस तरह से करके आप पैटर्न बना लेंगे। अब फिर हम इधर इस साइड निकाल लेंगे। अब ये वाला जो रेक्टेंगल सब है इसका हम फ्रेमवर्क बना लेंगे। ये हो गया। इसी तरह हम बाकी ये दो रेक्टेंगल का भी इस तरह पूरा फ्रेमवर्क तैयार हो गया। तो अब हम इसको यहाँ से ये जो बाहर का साइड है ये बाहर के साइड में हम भरना शुरू करेंगे। मैं दिखाती हूँ इसे ग्राफ पेपर में। इसे यहाँ से शुरू किया तो आप यहाँ से आप ऐसे जाएंगे इसको। ये फर्स्ट राउंड आपका हमारा इसी तरह हम पूरा चारों तरफ बना लेंगे। तो ऐसे करके हम ये यहाँ से शुरू करके आपको ये पूरा बाहर के साइड में फिलिंग कर लेंगे। यहाँ से आपको जो पॉइंट है यहाँ से स्टार्ट करना, यहाँ से स्टार्ट करके पूरा आपको जब यहाँ तक आ जाएंगे तो फिर मैं यहाँ भी मैंने इसमें शुरू कर दिया इस तरह से फिलिंग करना। अब आपको ये खाली बाहर बाहर का भी फिलिंग होगा।
पूरा फिर मैं यहाँ से घूम के फिर यहाँ तक आके आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ मैं जो इधर फर्स्ट राउंड शुरू किया था यहाँ से डॉट से, तो इसको हम फिर पूरा घूम करके फिर यहीं पर आके कंप्लीट हो गया फिलिंग। अब सेकंड राउंड होगा कि हम यहाँ से आपको यहीं से आपका यहाँ से शुरू करेंगे, इस तरह जाएंगे फिर जब यहाँ तक पहुँचेंगे तो हम यहाँ से यहाँ तक जैसे आपको भी इधर आपका सिंपल एक राउंड चलेगा, लेकिन यहाँ से जाके आपका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ तक मैं करके दिखाती हूँ आपको। सेकंड राउंड भी मैंने यहीं से शुरू करना है, लेकिन अब ये अंदर वाला पोर्शन भराएगा। तो यहाँ से यहाँ निकाला, इस तरह हम सिंपल ये वाला जो ये स्क्वायर है ये भर के हम यहाँ तक ये कॉर्नर तक पहुँच के फिर दिखा। अब यहाँ हम इस कॉर्नर पे आ गए हैं, तो इधर अब हम फिलिंग करेंगे अंदर। तो यहाँ से हम इधर घूमने की बजाय इधर से हम क्या करेंगे कि इस ये वाला स्क्वायर भी इसके साथ हम फिलिंग करके और फिर तब इधर जाके भरेंगे, और इसी तरह हम फिर यहाँ से बढ़ेंगे तो ये दोनों स्क्वायर एक साथ भरेंगे, फिर उसके बाद ये दोनों स्क्वायर एक साथ भर के फिर ये करके आपका यहाँ पर आके एंड हो जाएगा। तो मैं दिखाती हूँ इसे कैसे दोनों स्क्वायर एक साथ भरना है। तो यहाँ तक आ गए हैं, तो अब हम यहाँ से इधर घूम जाने की बजाय इधर से हम ये वाला स्क्वायर भी हमको भरना है। तो यहाँ से लेंगे यहाँ से फिर हम निकालेंगे, ऐसे ऐसे घूमेंगे। फिर आपका ये और ये स्क्वायर आपका एक साथ फिलिंग हुआ। अब हम इधर आएंगे फिर ये और ये स्क्वायर एक साथ भरेंगे।
ये और ये स्क्वायर एक साथ भरना है, तो इधर ले आएंगे। देखिए ये दोनों स्क्वायर एक साथ भरा गया। अब हम इधर से घूमेंगे तो ये और ये स्क्वायर एक साथ भराएगा, फिर इसका और इसका एंडिंग कर देंगे यहाँ पे। ओके, हम दिखाते हैं, यहाँ लास्ट तक आपका स्क्वायर भरा गया। अब यहाँ आपका इसको भर के फिर एंड हो जाएगा। आपका एक बटन तैयार हो गया।